मेरा ये बचपन से ही सपना था कि मैं एक अधिकारी बनूं, ऑफिसर बनूं और समाज में जो भी कुछ दिक्कतें हैं या कुछ भी जो बदलाव लाने की कोशिश करूं। मैं तो उनको यही कहूँगी, अच्छे से पढ़ो, मेहनत लगन से, जैसे इनसे थोड़ी शिक्षा लेनी चाहिए आगे से, जैसे बेटियां और उनके माता पिता को कोई करना चाहिए। जैसे हनुमानगढ़ जंक्शन की बेटी ललिता आरएस में चयन हुआ है, इन्हीं से जानते हैं कैसे आपने तैयारी की, कैसे ये विषय चुना, आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्या आगे सुधार करेंगे, समाज के अंदर क्या सुधार करेंगे और श्रेय किसे देंगे। तो ललिता जी, सबसे पहले तो कलम न्यूज में आपका स्वागत है। आप SDM लगेंगी या अकाउंट्स में जाएंगे तो आगे की बातें हैं, लेकिन पहले आपका स्वागत है। कैसे आपने ये विषय चुना और कैसे मन में आया कि मैं RS बनूं? मेरा ये बचपन से ही सपना था कि मैं एक अधिकारी बनूं, ऑफिसर बनूं और समाज में जो भी कुछ दिक्कतें हैं या कुछ भी जो बदलाव लाने की कोशिश करूं, तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना और इस तरफ मैंने मेरा अट्रैक्शन भी रहा। मैंने इसका सफलता का श्रेय मैं प्रवीण जी बाटिया, पूरे बाटिया आश्रम और मेरे माता पिता गुरुजनों को देना चाहूँगी। मेरे कुछ सहपाठी अन्य साथी थे जो उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। उसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना भी है आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उसकी तरफ कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ निरंतरता के साथ लगे रहिए, नकारात्मकता से दूर रहिए, आत्मविश्वास रखिए अपने अंदर और जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं जैसे सोशल मीडिया वगैरह हैं उनसे दूर रहिए और बस कठिन मेहनत कीजिए। कठिन सफल मेहनत सफलता का कोई वही एक सब राज है, मूल मंत्र वही है, कठिन परिश्रम। आपने तैयारी यहीं की है या कई बार कोई कोचिंग की है, और कितने घंटे आप स्टडी करती थी? और जैसे आपने सोशल मीडिया का, टीवी से दूर रहा, अखबारों से दूर रहा, ये कई बार टीवी देखना ही नहीं है कहीं? नहीं, टीवी देखना ज़रूरी है। यूट्यूब का भी हमने बहुत उपयोग किया इस सर्विस, इस पूरी तैयारी में। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलते हैं या बहुत सारा मटेरियल मिलता है ऑनलाइन। सोशल मीडिया से दूर रहने से फेसबुक या जैसे ग्रुपिंग्स हैं बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी भरी हुई है बहुत ज़्यादा, तो उससे थोड़ा दूर रहिए। टीवी देखिए, जैसे RSTV के डिबेट्स हैं वो सुना करती थी मैं, 6 से 8 घंटे मुझे लगता है निरंतर तक साथ अगर कोई पढ़ाए तो कोई उसका बस उतना ही सफिशियंट है। और मैंने आश्रम से तैयारी की, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से तैयारी की और मेरी सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय मैं वही देना चाहूँगी। तो जो आप आगे वाली पीढ़ी है, जैसे आपकी सिस्टर खड़ी है, पड़ोस में खड़ी है, क्या प्रेरणा देंगे आगे भी बच्चियों को आगे बढ़कर कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या उनके लिए प्रेरणा देंगे? आप जिस भी फील्ड में जाएं, आप जिस भी, सबसे पहले आप अपने एम को चुनिए, निर्धारित कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी कड़ी मेहनत से, अपने पूरे लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ आप उसमें लगे रहिए और जितने भी नकारात्मकता हैं आपके आस पड़ोस के या आपको लगता है कि जो भी नकारात्मकता आपके पास है तो उनसे दूर रहिए। कम से कम ग्रुप में पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। इनकी माता जी पास खड़ी हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं, कितनी खुशी होती है जब बेटी कितने पद पर पहुंचती है? इसका भी कोई संबंध ही नहीं है भाई, जितनी इतनी खुशी है कि आज बेटी इस SDM मुकाम पे पहुंच गई है। आप हनुमानगढ़ में रह रही, बेटी कहीं और नौकरी करेगी वहाँ जाएगी, आप यही रहेंगे? हाँ जाएंगे जरूर। और बेटी को कितना खुश देखते हैं आप, और आप हनुमानगढ़ की खासकर बेटियाँ जैसे आपकी बेटी RS बनी है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उनको यही कहूँगी, अच्छे से पढ़ो, मेहनत लगन से, जैसे इनसे थोड़ी शिक्षा लेनी चाहिए आगे से, जैसे बेटियां और उनके माता पिता को कोई करना चाहिए, जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेटियां मत समझें, उनको बेटा ही समझना चाहिए और आगे पढ़ाना चाहिए। तो ये हनुमानगढ़ की बेटी बनी है RS, बेटी कोई कम नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन पढ़ाई में अगर अच्छा लगन लगाए और लगन से पढ़े तो वो सफल हो सकती है। कलम न्यूज के लिए बस इतना ही, गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।